नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। सिरसा के वरिष्ठ भाजपा नेता ने छोड़ी भाजपा। प्रोफेसर दयानंद शर्मा ने भाजपा को छोड़ दिया है। समर्पित आरएसएस कार्यकर्ता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रोफेसर दयानंद। सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ऐलान। संगठन में लगातार उपेक्षा से आहत होकर के लिया बड़ा फैसला। सीएम के पूर्व ओएसडी व पर्यटन निगम के चेयरमैन जगदीश चोपड़ा व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल पर लगाए गंभीर आरोप। सिरसा में भाजपा की नगर परिषद को गिराने में जगदीश चोपड़ा का हाथ। जल्द लेंगे अगला फैसला। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को सिरसा में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर दयानंद शर्मा ने आज भाजपा छोड़ने का ऐलान किया। अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दुखी मन से भाजपा को अलविदा कह दिया। दयानंद शर्मा का कहना है कि भाजपा के नेता उनकी संगठन में उपेक्षा कर रहे थे, इसी से आहत होकर के उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी राजनीतिक दल के में या दल में जाने का कोई निर्णय उन्होंने नहीं किया है। साथ ही उन्होंने सिरसा में वरिष्ठ भाजपा नेता तथा हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन जगदीश चोपड़ा के साथ साथ उड़ीसा के गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पर भाजपा नेता नहीं चल रही, इसी वजह से समर्पित कार्यकर्ता अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। मीडिया के सामने ही प्रोफेसर दयानंद शर्मा रो पड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं ने नीतियों को उलट रखा है, अपने परिवार को ही ऐसे नेता आगे बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज मेरा निर्णय है कि मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहता हूं। अगला कदम फिर बताया जाएगा। मेरे मातृ संगठन आरएसएस से माफी चाहता हूँ, क्योंकि जब माँ बाप कमजोर होते हैं तो भाई पीटते हैं, और एक भाई को जब पीटा जाता है तो वो कहीं दूसरा घर देखता है या कहीं बैठ जाता है जाके एकांत में। तो मेरा ये निर्णय है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो सकता हूँ, मेरी संगठन को आवश्यकता नहीं है, मैंने ये महसूस किया। इस दौरान अगर कोई आपको मनाने आता है, आपकी पीड़ा को समझता है, कौन मनाने आएगा? जिन लोगों को यहां सरपरस्ती दी हुई है वो तो गला काटने के लिए तैयार है। आज मेरा निर्णय है कि मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहता हूं। अगला कदम फिर बताया जाएगा। मेरे मातृ संगठन आरएसएस से माफी चाहता हूँ, क्योंकि जब माँ बाप कमजोर होते हैं तो भाई पीटते हैं, और एक भाई को जब पीटा जाता है तो वो कहीं दूसरा घर देखता है या कहीं बैठ जाता है जाके एकांत में। तो मेरा ये निर्णय है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो सकता हूँ, मेरी संगठन को आवश्यकता नहीं है, मैंने ये महसूस किया। इस दौरान अगर कोई आपको मनाने आता है, आपकी पीड़ा को समझता है, कौन मनाने आएगा? जिन लोगों को यहां सरपरस्ती दी हुई है वो तो गला काटने के लिए तैयार है।